दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बिल्हौर कानपुर नगर में ग्राम डुड़वा जमौली में बुद्ध कथा का शुभारंभ हो गया। छठवां बुद्ध कथा का आयोजन महोत्सव कहेंगे और ध्यान साधना शिविर का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ संपन्न किया गया, जहां पर भिक्खु प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों के विषय में बताया। आज जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर अंतर्गत समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर नगर के तत्वावधान में सुमंगल बुद्ध विहार सिद्धार्थपुरम ग्राम डुणवा जमौली कानपुर नगर में छठवें बुद्ध कथा एवं ध्यान साधना शिविर का आयोजन का शुभारंभ हो गया, जो कि आज 13 नवंबर से आगामी 20 नवंबर यानी अगले रविवार तक संपन्न होगा, जहां पर उन्नत ध्यान अवस्था को प्राप्त भिक्खु प्रियदर्शी जो कि श्रीलंका से आए हुए हैं के द्वारा 8 दिवसीय बुद्ध कथा का प्रवचन और ध्यान साधना का कार्यक्रम कराया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में संगीत में बुद्ध कथा की भव्य प्रस्तुति बुद्धाचार्य सूरजराही बौद्ध के द्वारा संपन्न कराई जा रही है। आज भिक्खु प्रियदर्शी ने भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों के विषय में बताते हुए भगवान बुद्ध के जन्म की कथा सुनाई। आपने कहा कि कोई भी मनुष्य अकारण किसी प्राणी की हत्या न करे, कोई चोरी न करे, व्यभिचार न करे, झूठ न बोले और मादक वस्तुओं का सेवन न करे। ऐसा करने वाला मनुष्य निश्चित तौर पर सुखी जीवन व्यतीत करेगा, प्रसन्न रहेगा। कार्यक्रम में संगीत में बुद्ध कथा का भी आयोजन किया गया। संगीत में बुद्ध कथा वाचक सूरज राही ने प्रथम दिन आज भगवान बुद्ध के जन्म की संगीतमय कथा सुनाई, जिसे भक्तों ने भाव विभोर होकर के सुना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किरण बाला जो कि राज्य सूचना आयुक्त हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त उपस्थित रहे, जिन्होंने भगवान बुद्ध की करुणा मैत्री और भाईचारे के विषय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। साथ ही उपस्थित भक्तों को संबोधित किया, साधुओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में समन्वय परिवार के संघ नायक राजेश चंद्रा एवं विभिन्न जनपदों से आए हुए श्रद्धालुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। उक्त धार्मिक कार्यक्रम के आयोजक अजय कुमार जो कि पेशे से जयी हैं, जो कि डुड़वा जमौली गांव के ही निवासी हैं, आपके द्वारा आए हुए सभी अतिथियों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया और चैनल के माध्यम से अपने तरफ से उन्होंने सभी श्रोताओं को आमंत्रित किया है बुद्ध कथा में। उक्त कार्यक्रम में संत गाडगे के प्रपोत्र हरिनारायण जानोरकर के साथ साथ पूर्व विधायक भगवती सागर भी उपस्थित रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों के भी उपस्थित रही। आइए देखिए कार्यक्रम के चल। आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग साथ इनके इन महान पुरुषों के जो जिंदगी का अनुभव है, जो बहुत ही अध्ययन करने के बाद अपने जीवन को तपाने के बाद सार निकाला है और वो आपके सामने देने के लिए आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण करेंगे। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग आज ही फोन से लोगों से संपर्क करके कल ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। मैं अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। हमारे क्षेत्र में आप सब लोग आए, बैल केवल बालाजी भी आई, आप लोग उनको भी सुनिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही पुण्य का काम किया है और मुझे ये भी मालूम है
कि आपने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बड़े लंबे समय से लगभग 150 गांवों से ज्यादा आपने जनसंपर्क किया, बहुत बड़ा प्रयास किया। आज ये शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में हमारे बीच में ऐसे महान भाव इनको सुनने के लिए बड़ी संख्या होनी चाहिए और लोगों को बहुत कुछ सीख करके जा करके अपने यहाँ से आप आकर के अपने आश्रम में धारण करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस मौके पर हमारे बीच में श्रीलंका से पधारे परमारणी पावन स्वामित्व त्रिरत्न कृपा प्राप्त धम्म कथित परम श्रद्धे भिक्खु प्रियदर्शन जी का मैं इसे विधानसभा में आने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज से मौके के मुख्य अतिथि आदरणीय केरलवाला चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो कमिश्नर हैं। मैं उनका इस क्षेत्र में आने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा साहब के परम सहयोगी एक विश्व के पांच विद्वानों में से एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और दूसरे निरक्षर संत गाड़ी जी, लेकिन ज्ञान मार्ग में अग्रणी होने के कारण आपस में सामाजिक चिंतन करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। संत गाड़ी जी के वंशज प्रपौत्र यहाँ पर आज पधारे हुए हैं, आदरणीय हरिनारायण जायोरकर जी का मैं यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में मंच पर विराजमान जिन्होंने एक समाज सेवा में और तथागत बुद्ध के विचारों को प्रचार प्रसार करने में एक बहुत अनूठा प्रयास किया है, ऐसे परम आदरणीय उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध बुद्ध कथा सम्राट बौद्धाचार्य सूरजराही बौद्ध जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, की पूरी टीम को स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में विशेष उपस्थित रही, अभी हम लोगों ने सुना और उन्होंने बहुत ही ऐसे उल्लेख किए जिनको कि हमारे बड़ा विस्तार से बाबा साहब के विषय में और तथागत बुद्ध जी के विषय में ये बताया। ऐसे परम आदरणीय श्रद्धेय आचार्य राजेश चंगा जी यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, हम लोगों के साथ आए हुए अधिशासी अभियंता पूर्व जगराम सिंह जी, शायद जी पैमानेजर नवीन प्लांट को पावर हाउस बन रहा है, सिद्धेश्वर मुर्मू जी जो राष्ट्रपति जी के भतीजे हैं, सके भतीजे हैं, भाई भारत स्वामान के जिला अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप यादव जी, छोटे विश्वकर्मा जी, आनंद राव सागर जी, भाई सुरेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है, समस्त उपासक सम्मानित उपासक और प्यारी उपासक मेरी बहनें, मैं आज इस मौके पर आप सब लोग पहले दिन यहाँ पर उपस्थित हुए, ये 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग इस कथा के मर्म को समझ कर अपने जीवन में
धारण करने की कोशिश करें, अन्यथा ये कार्यक्रम का आयोजन व्यर्थ साबित होगा। मैं देख रहा था भंते जी जो लंका से आए हुए हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठ करके शांत मुद्रा में बैठ करके किस तरह से आप सबके लिए वाइब्रेशन फैलाने का काम कर रहे थे संत का। मैं आप लोगों के बीच में चूंकि हमारे भाई अजय जी ने बताया कि मैं यहाँ पर 50,000 रुपए दिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो यहाँ पर साथी हैं वो उपस्थित है वो उनको मालूम है कि मैंने विधायक जी से 25,00,000 देने का प्रॉमिस किया था और यहाँ पर एएसडीएम तहसीलदार और बड़े बड़े अधिकारियों को लाकर भयंकर धूप में लू चल रही थी तब जमीन की नाप करवा रहा था कि कैसे जमीन यहाँ पर ये निकल आए और मिल जाए और मैं 25,00,000 रुपया विधायक जी से दे दूँ। लेकिन आप जानते हैं कि देश की सामाजिक व्यवस्था बड़ी विचित्र है, इस देश में जट बात नहीं चलता है, जात पहले चलती है और कार्य भी योग्यता के आधार पर नहीं होते हैं बल्कि इस देश में जात के आधार पर ही सब कुछ होता है। मेरे चाहने के बाद भी हम उस कार्य को नहीं कर पाए, अधूरा है, ये मेरा जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। अभी मैं आदरणीय राही जी का प्रवचन सुन रहा था, बुद्ध कथा सुन रहा था और उन्होंने बड़े विस्तार से बड़े मार्मिक ढंग से चित्रण किया। मेरे प्यारे भाइयों, ये ऐसे महान विभूतियां यहाँ पर पधारी हुई हैं जैसे घड़ा है और घड़ा को अगर उल्टा रख दिया जाए तो उसके ऊपर चाहे कितना पानी डाला जाए लेकिन उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं जा सकता है, लेकिन अगर उसको सीधा रख दिया जाए और उसमें पानी डाला जाए तो घड़ा भर जाएगा और प्यासे लोगों को तृप्ति मिल जाएगी। आप लोग अपने आप यहां से ये जो बुद्ध कथा 7 दिन चलेगी, ऐसे महान विभूतियां यहां पर आई हुई हैं, इनको कुछ ना कुछ अपने अंदर भर करके जाएं और उसको अपने जीवन में धारण करें तभी उसका लाभ मिलेगा। मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूं कि भाई महापुरुषों ने बड़ा त्याग किया था। आप कल्पना करें कि अगर बाबा साहब का न्याय होते होते जिनके दो संतानें गंगाधर और दूसरी संतान जब राजरत्न खत्म हुए तब बाबा साहब के वो दूसरा बच्चा बहुत प्रिय था लेकिन इलाज के अभाव में कुपोषण के कारण वो बच्चा खत्म हुआ था। माता बाबा भाई अम्बेडकर टीबी की मरीज होकर के इलाज के अभाव में मरी थी। आप कल्पना करें कि महापुरुषों ने अगर त्याग न किया होता तो जो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं हम लोगों का जो जीवन स्तर है आज से 100 साल 200 साल पहले जाकर के देखिए कि हम कहाँ थे और किन लोगों के संघर्षों के कारण हम कहाँ पहुंचे हैं, लेकिन हम अपने दायित्व से कितना अलग हो गए हैं। इन महापुरुषों ने महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत गाड़गे, संत कवि, संत रविदास, ऐसे समाज सुधारकों ने जो काम किया। आप लोग स्वयं विचार करो कि एक महापुरुष अपना राज छोड़ता है और दूसरा महापुरुष ऐसे समाज में जन्म लेता है
जिसको कोई छूता नहीं है, ऐसा महापुरुष दो, एक राजा और दूसरा सबसे सामाजिक पायदान पर सबसे नीचे खड़े होने वाले व्यक्ति। एक विचार आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। तथागत बुद्ध ने कितने देशों में आज शांति का पैगाम पहुंचना है। और दूसरा, एक महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अगर संघर्ष न किया होता, त्याग न किया होता, तो शायद करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन जो नर्क में बना हुआ था वो इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में सबसे दुर्भाग्य ये है कि इस देश में कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था न होकर के जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था है, जिसके कारण हमारा देश दुनिया का सबसे संपन्न देश होना चाहिए, लेकिन हमारा देश निर्धन देश बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाइयों और बहनों, हमारे महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाते हृदय सांच है ताते हृदय आप। सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम का मतलब होता है कल्याण, सत्य ही कल्याण है, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। लेकिन इस देश में पूरा का पूरा असत्य पर आधारित शब्द चल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में, मैं तो 3 बार मंत्री रहा, 4 बार विधायक रहा, आपके 6 से 8 मंत्री रहूंगा, यहाँ पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये, मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे में राजनीति में न करके भी कभी भी एक झूठ न बोला। यहाँ पर कोई व्यक्ति है? जब आपके पहले भी मैं मंत्री रहा, 5 साल रहा, और पिछले बार भी आपके मार्च तक मैं विधायक रहा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कह दे कि हमने एक भी कभी आपके झूठ पकड़ी है? और मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, दावे के साथ कहना चाहता हूँ, क्या एक आदमी, किसी भी तरह का आदमी हो, क्या वो बता सकता है कि किसी को भी मैंने एक भी व्यक्ति को फर्जी केस में NCR तक कभी नहीं करवाई होगी? और एक भी व्यक्ति आपने ऐसा नहीं निकाल करके लाए पाओगे जो ये कहे कि भगवती प्रसाद सागर ने किसी को तू करके भी मंत्री रहते हुए कभी किसी को तू करके भी बात की? ये मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन में धारण करना बहुत कठिन काम होता है। मैं आज इस मौके पर, चूंकि मुझे 2 बजे यहाँ से जाना था, मेरे 2 और कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन बैल किरण बालाजी किसी कारण से विलम्ब आई, और अजय जी से मैं बेहद ही स्नेह करता हूँ कि कम से कम इस हमारे क्षेत्र में एक ऐसी भाई हैं जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करता हूँ, और इनको मालूम है कि मैंने कितना प्रयास किया था जमीन दिलाने के लिए, कितना कितना प्रयास नहीं किया, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, आप जानते हैं, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, अमृत वेला कभी मिस नहीं होती है, 3:30 बजे से 1 मिनट लेट नहीं हो सकता, और सब के लिए दुआएं करता हूं। आज इस मौके पर हमारे ऐसे विद्वान वहां पर पधारे हुए हैं, आपने देखा कि आज पूरे विश्व में शांति का वातावरण,
जो टॉपर बच्चे होते हैं वो सुसाइड करते हैं, तो जो धर्माचार है वो सुसाइड करते हैं। कहीं भी शांति नाम की चीज नजर नहीं आती है। घर घर में शांति है, हम खाना नहीं खाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो खत्म हो जाएंगे, दो मिनट ऑक्सीजन न जाए तो खत्म हो जाएंगे। जो हमको चलाने वाली एनर्जी है, हमको शांति कहाँ से मिले, कैसे मिले, वो भोजन हम नहीं लेते हैं जिसके कारण हमारे जिंदगी में तनाव रहता है। मैं तो चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जाऊं, लेकिन मैंने आज क्या कमाई की, कितने लोगों की दुआएं मेरे साथ आज मैंने पैदा की, कितना लोगों का पुण्य किया। जो हमारे साथ जाने वाला है, हमारे साथ कुछ ये जाने वाला जो दिखता है वो कुछ जाने वाला नहीं होता है। ये पुण्य कमा लो मेरे प्यारे भाइयों, ये सौभाग्य मिलता है। आदमी को सोच, एक सोच महान बना देती है और दूसरी सोच नर्क में पहुंचा देती है। ये महापुरुष जो बैठे हुए हैं, इनकी एक सोच ने इनको कहां से कहां पहुंचाया। जिस प्रत्यक्ष में आप लोग सब एकत्रित हुए हैं, कि जैसे कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ में आप लोग करेंगे भी, तो इसका भाव शायद जो है हम कहना चाह रहे हैं वो बता रहे हैं। हम ना तो नास्तिक हैं, जैसे अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि जो है हम भगवान को नहीं मानते हैं, जो भी जैसी भी उनकी बात होती है, हम ना तो नास्तिक हैं और ना ही आस्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। हम ना तो नास्तिक हैं और ना हम आस्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करते हैं, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। किसी भी धर्म में हो, कहीं में कोई बता रहा हो अच्छी नहीं लग रही बात उसको छोड़ दो, है ना। और मनुष्य हो, धर्म हो, जो मनुष्य होने पर कोई धर्म ऐसा नहीं है, उस धर्म में कभी मत जाओ जो मनुष्यता पर सवाल खड़ा करता हो कि तुम हिंदू ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ये हो, वो हो, उस धर्म में क्यों जाना, है ना। जो समरसता का धर्म है, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें जो बताया, हमें उस रास्ते पर चलना है ना, जो हमें स्वीकार कर रहा है, जो हमें समभाव से स्वीकार कर रहा है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ। तथागत भगवान बुद्ध को सत्सत नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं परम पूज्य भिक्षु प्रियदर्शी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच को मेरा नमन करते हुए मैं कहना चाह रही हूँ कि समन्वय सेवा संस्थान की जो इकाई कानपुर की है, इसके तत्वाधान में आज बुद्ध कथा का आयोजन था और ये लाइब्रेरी का उद्घाटन था, तो जिसमें कि मैं थोड़ा लेट हो गई, रास्ता समझने में मुझे समस्या हुई, इस वजह से मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंची और आपका कार्यक्रम में आने में मुझे देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके साथ ही आज जो आपको लाइब्रेरी का उद्घाटन मेरे हाथों से कराया माननीय विधायक जी साथ में थे, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बौद्धाचार्य हैं सुरेश राही जी, आरपी कुरियन जी, और मैं किसी का नाम आगे कर दूं उनको पीछे कर दूं तो आपको बुरा ना मानिएगा, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। जैसा विधायक जी तो चले ही गए, श्री भरत जी यहाँ पर हैं, श्री ज्ञानेंद्र कुमार, श्री वीरेंद्र राव अम्बेडकर, श्री अजय आर्य, श्री अजय कुमार, श्री राम मोहन, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती अनिता आर्य जी, आरपी बौद्ध, ज्ञानेंद्र कुमार, राम मोहन जी, श्रीमती लक्ष्मी, समन, बाकी जितने भी समन्वय सेवा संस्थान के हमारे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, युवा टीम है, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को हर साल करने का प्रयास किया और अपने कीमती समय से, नहीं तो ये भी चाहते अपना कमा रहे थे, बहुत से लोग नौकरी कर ही रहे हैं, नौकरी करते अपने बच्चों को पालते, अपना अपने घर में जाके सो जाते,
लेकिन इन्हों सोचा और इस काम को शुरुआत की। इसके लिए ये लोग बहुत ही बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। जैसा कि बाबा साहब ने के बारे में तो यहाँ बात हो ही रही है, और भगवान बुद्ध के बारे में तो कहने की मेरी इतनी सामर्थ नहीं है, उसके लिए हमारे संत समाज बैठा हुआ है, वही अभी आयोजित कहेगा। जैसे कि ज्ञान के बल पर बाबा साहब ने हर क्षेत्र में सिद्धता हासिल की थी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उन्होंने विविध विषयों में कितनी सारी डिग्रियां ली है ना, और अपने अध्ययन के बल पर उन्होंने विश्व में अपना नाम ऊंचा किया। जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के का पिछले 100 साल का अध्ययन हुआ, तो वहाँ पर जो बच्चे थे, टॉपर थे, उनमें सबसे पहले बाबा साहब का नाम था, जो उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर बाबा साहब का स्टैचू लगाया, तो उन्होंने शिक्षा की ताकत के बारे में बात किया, और उन्होंने मूर्ति के नीचे लिखा है कि नॉलेज इज पावर, जहाँ अमेरिका मुस्लिम भी यही है, सब जगह है। तो इसका मतलब शिक्षा से बड़ी कोई धन नहीं है, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, यही तो बाबा साहब ने कहा है। आप लोग शिक्षित बन रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, और संघर्ष करने के लिए तैयार ही है आप लोग। संघर्ष करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोग लड़ने चले जाओगे, तलवार तीर नहीं चलाना है, क्योंकि जो हम पर राज करते हैं, जो हमसे बात करते हैं, वो किस बल पर बात करते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके डीएनए में पढ़ाई घुसी हुई है, उनके डीएनए में ज्ञान घुसा हुआ है। हमारा क्या है, हमको किस काम पे लगा दिया गया था, है ना, तो हम कैसे पढ़ सकते थे, लेकिन अभी हमें मौका मिला और हम आगे पढ़ रहे हैं। हमें संविधान की रचना की, उसके माध्यम से हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अधिकार हमें कैसे पता लगेगा कि मेरे क्या क्या अधिकार है, और दूसरा हमारे लिए करेगा क्यों, क्योंकि हमें अपने लिए खुद करना था। बाबा साहब के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने स्वयं यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे कि हमें आपको कर भी रहे उसी को, जैसे क्यों भरोसा करें हम गैरों पर, क्यों भरोसा करें हम गैरों पर, जबकि चलना है हमको अपने पैरों पर। तो हमें दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, अपने लिए हमें स्वयं काम करना है। दूसरी बात, क्योंकि अभी माननीय विधायक जी, माननीय राजेश चंद्रा जी ने इतना कुछ बता दिया है बाबा साहब के भी बारे में, यहाँ के बारे में भी, तो उसको दोहराना मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक नहीं होगा। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आप सबका आवाज किन शब्दों में व्यक्त करूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, जबकि इस चीज के असली हकदार आप सब लोग हैं, जिन्होंने सुबह से आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, सुबह से बैठे आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, और इतने महीनों से आप तैयारी कर रहे हैं। आप हैं इस चीज के हकदार, मैं नहीं हूँ हकदार, मैं तो सिर्फ चल करके यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और आप मुझे आप लोगों के दर्शन हो गए, इससे बड़ा कुछ मुझे मतलब मेरा सौभाग्य नहीं हो सकता। इतने महापुरुषों के बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ, तो मुझे मैं इससे पहले भी प्रतापगढ़ की डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए गई थी, वहाँ भी मुझे मिला, और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पर मतलब पहली बार आई हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपने परिवार के बीच में आ गई हूँ। श्रवण कर रही है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा थक भी गई है, तो एक बार ऊर्जा का संचालन करने के लिए आप लोग अपने लिए ताली बजाइए और आप लोग इनके लिए ताली बजाइए। आपको कथा भी सुननी है ना, मेरी बात का तो उतना नहीं है महत्व जितना कि हमारे संतगण इतनी दूर दूर से आए हैं और हमें मतलब आनंदित करने के लिए, तो पहले हमको उसका ही सुनना है। तो हम खाली इतनी बात कहना चाह रहे हैं आप सबके लिए, अपनी बहनों के लिए भी है, कि आए हो किरदार निभाने जमीन पर, आए हो किरदार निभाने जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, तुम मन बदल दो परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं, तुम मन बदल दो परिस्थितियां अगर नहीं बदलती हैं, नजर को बदल दो नजारा बदल जाता है, नजर को बदल दो नजारा बदल जाता है, सोच को बदलो बदल दो सितारा बदल जाता है, सोच में ही सब कुछ है, सोच को बदल दो सितारा बदल जाता है, और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदल दो किनारा बदल जाता है, आपका किनारा आपके सामने है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।
आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर बात अच्छी लगे तो आपकी हाथों की बीबी से भी तालियां दाऊंगा। बड़ी मेहनत से की लाइनें मैंने और पंडित जी ने लिखी है। अनपढ़ बन कर तुम रह जाते। शिक्षा के दीप जलाए चार बच्चे गवाए, मुझे हक दिलवाए चार बच्चे गवाए। बन नहीं पाते। बाबा साहब ने क्या कर दिया आपके जीवन में? अरे कुर्सी पर Yeah.
राही कमली तुमको बताए, 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 मुझे फूल खिलाए, सर बस सेवा